वैक्सीन का क्या चार्जेस है आर्म्स एंड लेग्स? लड़कों की हेयर कटिंग और बियर्ड कटिंग का क्या प्राइस वगैरह रहता है? जी आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज है वीकेंड और मैं जाने वाली हूँ सैलून अपनी थ्रेडिंग कराने। तो पता करते हैं कि कैनेडा में सैलून सर्विसेज और बार्बर शॉप्स लड़कों की कटिंग, बियर्ड कटिंग, फेशियल वगैरह का क्या सीन है, क्या प्राइजेज हैं। सो गुरसाहिब जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, वो थोड़ा बस की टिकट वगैरह लेने गए हुए हैं, तो वो वापस आते हैं। तो चलते हैं मेसनविल मॉल और पता करते हैं सैलून सर्विसेज के प्राइजेज। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गुरसाहिब जी आ चुके हैं। आप क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? मैं अपनी वीडियो की इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। देख रहे हो, ये होती है डेडिकेशन। ये जो आप परफेक्शन देखते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी रिहर्सल होती है, राइट? अंधेरा आ रहा है। कोई बात नहीं। सो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करने गए थे, कहाँ थे आप? मैं बस की टिकट लेने गया था। ओके, सो चले मेसनविल मॉल। यस, चलो। सो लेट्स गो। सो भाई मॉल के अंदर तो आ गए हैं, बट बहुत ज्यादा भीड़ है, राइट? बहुत ज्यादा भीड़ है। वीकेंड होने की वजह से तो सीधा अब आपको मिलते हैं हम सैलून, राइट? और आप कहाँ जा रहे हो, बार्बर शॉप? हाँ, मैं बार्बर शॉप जाऊंगा, जो लड़कों का सौदा है वो सारा पता करूंगा कि क्या हिसाब किताब है। एग्जैक्टली। सो अब मिलते हैं आपको बार्बर शॉप। मेरी टैनिंग होगी है तो इसका भी पूछा ना फिर। मेरे पीछे ये फैशन ब्रोज है, यहाँ चलते हैं और अंदर चल के पता करते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं और प्राइजेस सब चीज़ों के पता करते हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? सैलून में जाऊंगा, पता करूंगा। सो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। सो बाय। सो हम आ चुके हैं फैशन ब्रोज और मिलते हैं हमारी ब्रो एक्सपर्ट मैंडी कौर, जो पंजाब से हैं, एंड जैकलीन फ्रॉम सीरिया। तो मैंडी, आप हमारी आईब्रोज करने वाली हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग। और हम इनसे आज बात करते हैं कि जो सैलून के प्राइजेज हैं वो क्या हैं, और आप टिप भी देंगे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। तो यार जैस्मिन जी ने मेरे को एक टास्क दिया है कि भाई लड़कों की हेयर कटिंग और बियर्ड कटिंग का क्या प्राइस वगैरह रहता है, वो मेरे को पता करना है। तो कोई सैलून वगैरह ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। थैंक यू सो मच मैंडी। तो अब हम बैठते हैं और बात करते हैं कि क्या प्राइजेज हैं यहाँ पर लंदन में। चलो चले बात करते हैं। सो मैंडी जी हमारे साथ हैं, आप कहाँ से हैं मैंडी? मैं गशंकर पंजाब, पंजाब होशियारपुर जिले में पड़ता है। तो साड़ी सेली पंजाब तो है, राइट? सो ये कनेक्शन बनाता है जब हम किसी इंडियन से बात करते हैं, या मैंने जब इनको पहले, मुझे नहीं पता था कि ये फैशन ब्रो नाम का कोई सैलून भी है मेसनविल में, बट जब मैंने जस्ट ऐसे वॉक इन करा तो मुझे मैंडी मिली है, तो मैंने इनसे पूछा कि प्राइजेस क्या हैं। तो आज बात करते हैं उन्हीं प्राइजेस के बारे में। सो मैंडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि आप कैनेडा में कब आई थी? मुझे 4.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आई थी? हाँ, मैं पेंशा में एज अ स्टूडेंट आई थी। मैंने स्टडी किया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। ओके, दैट्स गुड। सो आपने जो आप सैलून में वर्क करती है और ये मैनेजर है फैशन ब्रोज में, तो आपने कोई कोर्स वगैरह करा था? मैंने सर्टिफिकेशन लिए थे यहाँ पे, जैसे ब्राउ लैमिनेशन, लैश लिफ्ट, थ्रेडिंग के लिए अंटेरियो में आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट यू नीड सर्टिफिकेशन फॉर वैक्सिंग। और वैक्सिंग के लिए भी सर्टिफिकेशन चाहिए? तो ये कौन सा सर्टिफिकेट, मतलब क्या एग्जाम है? या कनाडा में कैसे, जैसे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, किसी की स्किन बर्न ना हो जाए, यू नो हाउ टू यूज वैक्सिंग स्पैचुलास एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। सो यू कैंट वर्क। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप किसी लाइसेंस्ड एस्थेटिशियन के अंडर काम कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। ये बात तो मुझे भी नहीं पता था। तो भाई अगर आप इंडिया से कुछ सीख के आ रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ जाकर मैं कुछ ओपन करूँगी, तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। इससे पहले भी आपने कहीं काम करा था? नहीं, मैंने यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम एज अ मैनेजर में को जॉब मिल गई थी। ओह, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो आप बताएंगी हमारे व्यूअर्स को जो इंडिया से आने वाले हैं कैनेडा में, कि यहाँ पर आईब्रोज के, वैक्सिंग के, इन सब के क्या प्राइजेज हैं। तो आपने अभी मेरी थ्रेडिंग करी है, तो इसके क्या प्राइज है? अभी तक मैंने प्राइस ही नहीं पूछा भाई। सो आईब्रो थ्रेडिंग और वैक्सिंग के सेम प्राइजेज हैं, $15, एंड देन यू नो टैक्सीज वगैरह सब उसके ऊपर लगते हैं।
लेकिन उसके बाद बॉडी वैक्सिंग और इन सब चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है, विच इज़ वेरी हाई आई वुड से एज कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में तो ऐसा होता था भी $500 में पूरा सब कुछ हो जाता है, और घर आके काम करके जाते, घर आकर भी काम करके जाते थे, राइट. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे डजंट मैटर आप कैश पे कर रहे हो या आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. बट ऐसा होता है, मैंने देखा छोटी सिटीज में क्या कहते हैं कि अच्छा $12 अगर प्राइस है, तो अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो $10 दे दो, तो आपका जो वो टैक्स वगैरह है वो डिडक्ट हो जाता है, राइट. नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक मॉल के अंदर है तो उस हिसाब से प्राइसेस एक बार सेट है. गुड. सो हेयर कटिंग वगैरह भी करते हैं हम यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे हेयर नहीं है, उसके लिए अलग से लाइसेंस और इंश्योरेंस होता है. तो अब इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि लास्ट वीक मैंने हेयर कट कराया था तो उसके प्राइसेस क्या हैं. सो गाइज, ये जो मोडा फिना दिख रहा है ना आपको पीछे, यहाँ हमने जाना है हेयर कट कराने, और हेयर कट का क्या रिजल्ट होगा फाइनल वो तो आपको एंड में ही पता लगेगा. सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा हेयर कट. मैंने सिर्फ डेड एंड से निकलवाने थे और मैं एक घंटा बोर हो चुका हूँ. सो इन्होंने प्राइस वगैरह तो बता दिया है, जैसे कि मैंने सिर्फ कटिंग करानी थी और ब्लो ड्रायर उसके बाद, तो इनका प्राइस है $43 प्लस टैक्सेस. तो बैक टू दिस, और हम इनसे बात करते हैं कि एक्चुअल प्राइजेस क्या हैं. और ये ब्रोज लेमिनेट भी करती है और आई लैशेज लिफ्टिंग और टिंटिंग भी है, राइट. तो उसके प्राइजेस बताएंगे आप? ब्राउ लेमिनेशन के प्राइजेस हैं $80 प्लस टैक्स, और उसमें शेपिंग एंड टिंटिंग सब कवर होता है. अच्छा. लैश लिफ्ट और टिंट में इट्स जस्ट परमिंग होती है लैशेस की, जो कि कर्ल देते हैं हम उनको और उसके बाद उसको कलर करते हैं. इट्स $70 प्लस टैक्स. $70 प्लस टैक्स. और आप बता सकते हैं कि वैक्सिंग का क्या चार्जेस है आर्म्स एंड लेग्स? सो फुल लेग्स का $55 प्लस टैक्स, फुल आर्म्स का $35 प्लस टैक्स. ये प्लस टैक्स ना जरा नोट कर लेना, ये 55 नहीं है, प्लस टैक्स करके 62 15 बन जाता है. तो आगे हम बात करते हैं कि बिकिनी वैक्स का क्या प्राइस है यहाँ पर? जस्ट बिकिनी इज $20 प्लस टैक्स, और अगर ब्राजीलियन करवाते हो फुल तो उसका $55 प्लस टैक्स. बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्राइजेज हैं. सो फेशियल की बात करते हैं, इंडिया में तो भाई हर महीने हम पार्लर से फेशियल कराते थे और यहाँ पर एक्सपेंसिव होने की वजह से हम नहीं करा पाते. तो आप बताएंगे कि नॉर्मल फेशियल क्लिंजर के क्या प्राइजेज हैं यहाँ पर? जस्ट क्लीनिंग के इट्स लाइक $50 प्लस टैक्स. समझ सकते हैं आप, 2-3 हज़ार का तो आपका क्लीनिंग है और इंडिया में होता था ₹300. तो प्राइस का डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा. हाँ जी. तो यार, काफ़ी देर के बाद मेरे को एक दुकान मिली है जिसका नाम है जेंटलमैन्स बार्बर, और इसके अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि हेयर कटिंग, बियर्ड कटिंग और फेशियल वगैरह का क्या हिसाब किताब रहता है, ताकि जब आप आओ तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो. तो लेट्स गो. सो ये सारे प्राइजेस थे जो मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि इंडिया और कैनेडा के जो प्राइजेस हैं हमारे क्लीनिंग के, मतलब जो हमारे क्लीनिंग सर्विसेज के, बहुत ही डिफरेंट है. तो अब आप मैंडी जी, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है? मैं पहले तो कभी किसी को ऐसा सजेशन नहीं देती कि आप अपने आईब्रोज खुद से करो या प्लक करो या उनको शेव करो. जैसे आजकल मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, दे डू शेविंग एंड ऑल, बट मेंटेनेंस के लिए दैट्स फाइन इफ यू लर्न समथिंग, कि आप थ्रेडिंग सीख लो, क्योंकि आते ही तो आप किसी बड़े सलून में नहीं चले जाओगे कि आप वहाँ से थ्रेडिंग करवाओ. आज तक नहीं गई. मैं खुद की थ्रेडिंग खुद करती हूँ, सो इट वाज लाइक अ गुड सर्वाइवल. अब इनकी थ्रेडिंग देख लो कितनी परफेक्ट है. मैंने इतनी परफेक्ट थ्रेडिंग किसी की नहीं देखी, और सच में अब मैं आगे से इन्हीं से कराने वाली, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग का बुरा हाल था जो इन्होंने कहा वर्स्ट, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे इन्हीं के पास दोबारा आना पड़ेगा. थैंक यू. सो बस ये है कि ट्वीजर्स वगैरह एक थ्रेड लाइक फॉर सर्वाइवल आप रख लें उसके लिए, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, राइट. तो ये चीज़ है कि थोड़ा बहुत अगर आप सीख लो कि हाउ टू डू वैक्सिंग, दैट्स गुड, बट मैं नहीं चाहती कि हमारा काम धंधा बंद हो एट एनी सेंस. नहीं, वो नहीं होगा, बट हाँ ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं. बाकी आगे की वीडियो में चलते हैं, गुरसाहिब जी से पूछते हैं कि वो बार बार शॉप से क्या प्राइजेस पता करके आए हैं, तो आपको बताते हैं. सो थैंक यू सो मच मैंडी, और आपका इंस्टाग्राम हैंडल हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए. भाई मैंने जब इनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी थी मैं तो शॉक्ड हो गई थी, इतनी परफेक्ट ब्रोज देखकर. सो अगर आप लंडन ऑन्टेरियो में रहते हैं सो मस्ट विजिट फैशन ब्रोज, एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. सो आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमारी प्यारी मैंडी को. सो थैंक यू सो मच मैंडी. सो चलते हैं गुरसाहिब जी के पास. बाय गाइस, अब पे करते हैं जो $17 जो हमने आईब्रोज पे खर्चे हैं उसके लिए. और थैंक यू सो मच जैकलीन एंड मैंडी फॉर गिविंग मी द अमेजिंग सर्विस. और अगर आप यहाँ आते हैं तो डू विजिट देम, दे आर सो अमेजिंग. सो हाउ कैन आई पे? मैंडी
बाय बाय जैकलीन। सो अब हम मिलते हैं गुरसाहिब सिंह जी से, तो थ्रेडिंग वगैरह तो हो चुकी है और देखते हैं उन्होंने क्या पता किया है। सो गुरसाहिब जी ये रहे हमारे साथ, तो आपने पता कर लिया बार्बर से क्या प्राइस है? हाँ हाँ, मैंने दो जगह पे गया था वहाँ पे पता करा। तो कटिंग का क्या प्राइस है फिर? कटिंग का प्राइस दोनों जगह पे $30 था। ओहो, और प्लस टैक्सेस। बियर्ड कटिंग? बियर्ड कटिंग का जो सस्ता वाला सौदा था वो थे $7 का, और जो महंगी वाली दुकान थी जो थी जेंटलमैन्स करके, जेंटलमैन्स बार्बर, उनका जो प्राइस था वो था $14 डबल प्लस टैक्सेस। एक्सपेंसिव या महंगा था। और साथ के साथ ये तो मॉल्स के अंदर दुकान की बात होगी, मॉल के बाहर भी दुकानें होती हैं जैसे प्लाजा वगैरह होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सस्ता होता है। मेरा एक फ्रेंड था कबीर नाम का, तो वो बाल कटवाने जाता था बाहर, उसका जो खर्चा आता था वो आता था $23 प्लस टैक्सेस। बहुत, ये तो बहुत सस्ता है ना? या सस्ता है, पर फिर भी हर महीने हर दो महीने बाद $23, आई डोंट नो, किसी के लिए ठीक हो सकता है किसी के लिए महंगा हो सकता है। तो देख लो सामान, ये बताएंगे आपको काफ़ी सारा सामान मिलता है बाहर से, तो आप घर पे ही सब कुछ कर सकते हो। सो गाइज, ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे, ये भी देखते थे कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप प्राइजेज है। आई होप आप अपने जो इंडिया से ही सीख के आएंगे सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बहुत एक्सपेंसिव है। साथ के साथ एक चीज़ और है, जब आप बाल वगैरह कटवाते हो ना तो टिप देनी पड़ती है 10% या 15%, तो $30 अगर आप खर्चोगे ऊपर से आप $6 अपनी टिप दोगे तो भैया कहाँ ही होगा, राइट? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और इससे अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कौन से ऐसे टूल्स है जिससे सारा आपका जो खर्चा है वो मिनिमाइज हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।